Hey guys, this video is sponsored by Maverick Constructions and if you want to get your tax paid, contact Tab2Tax. और अगर जगह का मसला है, तो Musa Heights, you know the place. Let's go. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी की और दो शख्सियत जिनका नाम है नौकी, ए के समीर और जैगुआर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के मैं ज्वाइन किया। सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे जैगुआर? अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों जानते हैं कि आप लोग को बहुत टाइम से देखते हुए कम्युनिटी में, कम्युनिटी से के तो आपके पूरे वाकया सबको पता है, लेकिन कम्युनिटी से हट के थोड़ा पहले बताएं कि आप एज अ प्लेयर और एज अ स्टूडेंट, एज अ फैमिली मेंबर अपने तरीके से किस तरीके से जीते जा रहे थे अपनी लाइफ को। और फिर जगवर आप भी बताएगा कि कम्युनिटी में आने से पहले आपकी क्या लाइफ स्टाइल थी। पहले जगवर भाई आप बताओ। मेरा नाम हमजा है और मुझे पबजी खेलते हुए तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हो गए हैं। कम्युनिटी में मुझे प्रॉपरली आए हुए ना, बेसिकली जब सबको पता चला वो तकरीबन यही 3-1 साल हुए होंगे। उससे पहले एक किस्म के अंडरडॉग ही थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। उससे पहले जो है कॉड खेलता था, खाली पबजी का ईस्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ, कॉड खेली है। और सही जिसको बोलते हैं ना खेलना, के स्कूल कॉलेज क्लास बंक करके भी जाके गेम खेली है, कॉड खेली है। तो वो वहाँ से ही बस शौक है ईस्पोर्ट्स का, खाली पबजी के उसमें मैंने स्टार्ट नहीं लिया। और उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, प्रोफेशनल खेला है, डोमेस्टिक तक खेला है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंजरी की वजह से छोड़ दी, फिर जब इंजरी हुई उसके बाद पबजी आ गई, फिर हम पबजी में आ गए, फिर पबजी में वहाँ से डेब्यू हो गया हमारा 2018-19 में। या फिर 19 में मैंने मेरी इंजरी हुई थी अंडर-19 के मैचेस के बीच में, और वहीं से मैंने पबजी के स्टार्ट लिया। चले हमजा ने तो बताया, समीर आप बताएं। मेरा नाम समीर है, सबको पता है। और मेरी अपब्रिंगिंग ये कोटा में हुई थी। फिर कोई 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद मेरे पास कोई खास दोस्त वगैरह नहीं थे यहाँ पे, तो फिर मुझे पबजी मिला। पबजी मेरी डाउनलोड थी, पबजी खेलता रहा। फिर कोई 2 साल तक तो मैं ऐसे ही क्लासिक वगैरह खेलता रहा पबजी में। कम्युनिटी वम्युनिटी तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, उस खेलता इतना ज़्यादा था कि फिर वो अच्छा खेलने लग गया। फिर वो पहले टाइटल्स हुआ करती थी, पहले अभी भी है, लेकिन पहले टाइटल्स का बड़ा कोई फेम होता था तब पहले। तो फिर मेरा था क्लोज इनकाउंटर में टाइटल था, तो फिर वर्ल्ड में सीजन 4 में कोई 8th पे था शायद, मुझे रेड टाइटल मिला। तब मैं बड़ा खुश था उस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा खेलता था, तो क्लोज इनकाउंटर में मुझे रेड टाइटल मिला था। तो उस टाइम से मेरी गेम कोई काफ़ी अच्छी हुई थी। फिर मुझे एक दिन ऐसी क्लासिक खेलते हुए लड़का मिल गया, उसने बोला स्क्रिम्स खेलोगे। उसने मेरी गेम देख ली, मेरे 6 किल थी, 6 की 3 डी थी। तो उसने मेरी गेम देख ली, उसने बोला क्लासिक खेलोगे, वो स्क्रिम्स खेलोगे, तो हम चले गए उसके साथ स्क्रिम्स खेलने। मुझे इतना खास आइडिया नहीं था। फिर उसी स्क्रिम से दोस्त वगैरह मिल गए, फिर खेलते 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 हमारी टीम बन गई। फिर उसी टीम के साथ लेके चलते गए, लोगों को पता भी होगा एनफेस नाम की एक टीम थी, काफ़ी पहले अंडरडॉग टीम थी, वो PESL करके कुछ होता था, एक स्क्रिम होता था PESL। तो हम वो खेलते थे, तब PESL सीजन 1 के विनर भी थे। तो फिर हम वो खेलते 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 फिर यहाँ तक पहुँच गए। आप दोनों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप लोग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट गेम खेलने आ गए थे। ऑब्वियसली सबकी स्टार्ट ये रहती है कि आप लोग क्लासिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पबजी किस को देख के आप लोग पबजी में खेलने आए? आपने तो बताया जैसे कि आप इतना बोरिंग होते थे, जिस तरीके आपको कोई भी फ्रेंड नहीं मिला, कोई फ्रेंड नहीं मिला आपको। मतलब हमारे तो लाइफ में ये होता ना कि अगर कोई फ्रेंड नहीं मिला तो हमको कहा जाता है कि भाई बोरिंग पर्सन है ये, तो हम गेम में आ जाते, हम गेमर बन जाते हैं।
तो आप बताएं हमजा कि किस तरीके से आपको गेम की तरफ शिफ्ट किया गया, कॉल ऑफ ड्यूटी के मोबाइल के बाद गेम में आपने कितना ज़्यादा वक्त दिया, उसके बाद आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव के थ्रू आए और कितने तरीके से आप लोगों को ना एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि नौकी को तो ऑलरेडी टाइटल्स मिलना स्टार्ट हो गए थे और उस टाइम पे जैसे कि नौकी भी जानते हैं एक टाइटल का बहुत बड़ा एक रुतबा होता था, एक मिटिक फैशन भी अगर टाइटल भी अभी हम लोग सुनते आ रहे थे तो उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, आपको इस तरीके से किस तरीके से रिकॉग्निशन मिली थी उस टाइम पे? मेरा भी जो है ना नौकी के मिलता जुलता ही है। कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स मोस्टली जहाँ तक जिनको मैं जानता हूँ ना वो सारे टाइटल पुश के बाद ही आए हैं। बहुत बड़ा नाम है प्रीडेटर, वो भी टाइटल पुश करता हुआ आया आके उसने भी स्टार्ट लिया। मेरा भी यही था बेसिकली, मैं जब मुझे क्रिकेट की इंजरी हुई तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं, कोरोना था ठीक है आपको भी पता है, और हालात इस तरह के थे कि मतलब अब बहुत ज़्यादा अपसेट था इंजरी को लेके क्रिकेट की। तो गेम आई, मुझे किसी बंदे ने बोला कि यार गेम है, मेरे पास एंड्रॉयड होता था, हमने एंड्रॉयड में गेम इंस्टॉल की, खेलना शुरू किया। बहुत लैग होता था, काफ़ी बहुत ज़्यादा इशू होता था उस, मतलब पता नहीं चलता था क्लासिक में भी कि क्या हो रहा है। फिर जब गेम स्टार्ट की तब पता चला यार फ़ोन अच्छा लेते हैं, इसको खेलते हैं, बड़ा मज़े की गेम है ये, मज़ा आता है इसमें बंदा उतर, पहले तो उतर के बॉट की तरह इधर उधर घूमते रहते थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गेम का पता चलना शुरू हुआ। बेसिकली उन दिनों में इंडियन कम्युनिटी रूज पे थी पबजी की, बेशक ही वो एम्युलेटर पे खेलते थे या जो थे, मोस्टली जो मैं देखता था स्काउट को देखता था और डायनमो को देखता था, इन दो बंदों को देखता था, और पाकिस्तान में हमारे एनोनिमस भाई हैं उनकी अक्सर आगे यूट्यूब पे वीडियो आ जाती थी कोई भी पुश वाली या इस तरह की, किस तरह पुश करना है वो टिप्स भी देते होते थे उस वक्त, मुझे याद है। वहाँ से मैंने YouTube पे फ्री टाइम पे जब होता था मैं देखता था, मैंने वो देखी वीडियोस वगैरह और उस मतलब मुझे शौक पैदा हुआ कि यार अब मैंने भी ना यही काम करना है मैं, और लेकिन मैंने वही काम किया, मैंने उस चीज़ को ना सीख के मैंने टाइटल पुश करना शुरू कर दी। मैंने भी तकरीबन 4-5 सीजन जो है ना टाइटल कंटिन्यूसली पुश करता रहा, लेकिन मेरी इसका क्लोज इनकाउंटर था, मैंने क्लोज इनकाउंटर की तरफ नहीं गया, मैं हेड्स अप के लिए खेलता रहा, मैंने हमेशा हेड्स अप और ये इस तरह के टाइटल लीव किए, ग्रेनेडियर का था और हेड्स अप का था, यही टाइटल किए। बूट कैंप में उतरते थे, 4-5 बॉट मारे, 4-5 बंदे मारे, अपने आप को नेट किया, वापस चले गए, फिर आए, यही काम होता था। तो वहीं से शौक जो है ना पैदा हुआ, लेकिन कॉम्पिटिटिव का जो स्टार्ट था, कॉम्पिटिटिव का स्टार्ट बेसिकली वाइल्ड कार्ड PMC हुआ, वाइल्ड कार्ड PMC हुआ फर्स्ट टाइम। उस वक्त पाकिस्तान में टीम्स नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव नहीं था। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब वाइल्ड कार्ड PMC हुआ था तब तक पाकिस्तान में स्क्रिम्स नहीं होती थी, तो मैंने देखा उस वक्त हमारे साथ की एक टीम होती थी GOP अल्फा की, अल्फा एक प्लेयर था छोड़ चुके हैं बिल्कुल, गेमर्स ऑफ पाकिस्तान वो लोग थे, वहाँ से हमने खेलना शुरू किया, वो खेले काफ़ी आगे तक आए लेकिन हम आगे क्वालिफाई नहीं हो सके क्योंकि बाहर की टीम्स थी उनको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो अच्छा खेलते थे, तो हमारी से पाकिस्तान की उस वक्त एक ही टीम वो आगे गई। वहाँ से ना मैंने माइंड में ये चीज़ लाई कि यार मैंने इस चीज़ में ना अब घुसना है, कि ये मुझे सच्ची बात बताऊँ तो मुझे ना हार पसंद नहीं है, आज तक भी मुझे हार पसंद नहीं है, बाकी यू भी अब मैं कुछ भी हो जाए बार बार मरूंगा बार बार लेकिन रहूंगा। आज भी मैं कम्युनिटी में रहूं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी अगर मैं कम्युनिटी में हूं तो इसीलिए हूं कि अपने आप को वापस प्रूव करके ही जाना है, उससे पहले नहीं कहीं भी जा रहा मैं, ये लोगों को भी मैं बता दूं कि मैं इधर ही हूं, अपने आप को प्रूव करूंगा तो जाऊंगा। वही चीज़ थी वहां पर भी थी, स्टार्ट लिया, टीम्स बहुत कम थी, कुछ खेलने को नहीं होता था, JBI के क्लासिक वो होते थे कस्टम रूम्स वो खेलते थे, फिर उसके बाद कलेश होता था कलेश के रूम्स खेलते थे, इसी तरह वहाँ से ना शौक पैदा हुआ। लेकिन बेसिकली जो मैं आज तक मेरे दो रोल मॉडल हैं, गेम स्टार्ट कराने वाला मुझे स्काउट है, और उसके बाद से जब गेम का पता चला वो घातक है, मैं IGL हूँ टीम का तो मुझे घातक पसंद है, वो बस ये दो रोल मॉडल इनको देख के आज तक चल रहे। समीर जैसे कि बता रहा हमजा ना बहुत अच्छी इसकी कंप्लीट जर्नी बता रहे, किसको देखा किसको आइडल मानता है और उसके क्या प्लान्स हैं। आप बताओ यार कि तुम्हारा क्या सीन हुआ, मतलब कितना, एक तो दिन में खेलते थे तुम, क्योंकि टाइटल देना बहुत आसान बात नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दिन में ना 10-12 घंटे खेलने होते थे, इतना खेल लेते थे, कितना फैमिली से कितना ज़्यादा अश्योरेंस मिलती थी भाई कि गेम बस करो और कुछ भी काम धंधा ढूंढो करने को, पढ़ाई वगैरह भी देख लो, ऐसा कुछ कभी ताने मिले या नहीं मिले ये भी बताओ एक तो, और साथ देखे तो ताने नहीं मिले, पढ़ाई वगैरह के तो मिलते होंगे ना कि मतलब यार गेम से बाहर निकलो, क्योंकि मुझे तो ये हुआ है हमेशा जब भी मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ, जब भी मोबाइल लेके बैठो ना चाहे पढ़ के आओ उसी टाइम फैमिली आ जाती थी भाई अब मोबाइल बस करो, मैंने कहा अभी मैं लेके बैठूँ कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता था। तो तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये बताओ कि इसमें कुछ अर्ली ऑन स्ट्रगल्स तुम्हारी क्या क्या रही होंगी। ये तो होता है, ये तो हर किसी की लाइफ में होता है, फैमिली का इशू हर किसी, पाकिस्तान में तो फैमिली का इशू ना होगी ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल।
तो फैमिली का इशू तो होता था, लेकिन वो कह रहे चलो इग्नोर हो जाता था, उनको इग्नोर करके अपने गेम में लगे रहो ऐसा ऐसा। लेकिन मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये अच्छी बात है। हाँ, मतलब बोलते थे डांटते थे लेकिन कोई फिजिकल विजिकल नहीं हमने तो हम ऐसे ही मैं बस गेम में घुस के खेल लेता था बस। और मेरी स्टार्ट ऐसी हुई थी कि मैं ये क्लासिक वगैरह खेल लेता था, तो फिर वो स्ट्रीम पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया था एक लड़के ने, फिर वो लड़का छोड़ गया गेम, उसके लिए इंट्रोड्यूस कराया था। फिर उसके बाद वो मोटल लोग कोई कुछ जीते थे PMCO, तो पता नहीं वो क्या था इंडिया में कुछ जीते थे, वो काफ़ी उनको फेम मिली थी। तो फिर मैं वहाँ से मैंने देखा तो फिर मैं मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ फिर उसको खेलने का। फिर मैं वहाँ से खेलता गया। फिर उसके बाद डिवाइस का बड़ा इशू होता था, हमारे पास डिवाइस नहीं थी पाकिस्तान में, बड़ा इशू था डिवाइस का। मेरे पास था LG G3, उसमें तो गेम चलती ही नहीं थे, उतरो 2 मिनट तो रेंडर होते थे, मैप रेंडर नहीं होते, हम जमीन के अंदर घुस रहे थे, पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे थे, पैराशूट लेते रहे, सीधा स्विमिंग कर रहे हो। ये कौन से साल की बात होगी? ये है जब इरेंगल का 2.0 नहीं आया था, 20 तक, मतलब आप अभी भी डिवाइस से स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, और पबजी को आए मतलब एक साल तक आप क्लासिक खेल लेते उसी मोबाइल पे। हाँ, LG G3। फिर मसला ये हुआ कि मेरे LG G3 भी टूट गया यार। फिर मैं वापस LG G2 पे गया। टूटने की क्या वजह था पीछे? LG G2 उस LG में ये बात ये ना कि LG मोबाइल ना ज़्यादा पाकिस्तान में है नहीं, उसका बैटरी का मसला हो गया था, उसकी बैटरी निकलती है नीचे से, बैटरी नीचे से निकलती है, उसके बैटरी के साइड पे पिन होता है, वो पिन दबाते हो ना तो बैटरी, वो मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और उसकी पिन वाली जगह ना वो टूट गई। तो जब पकड़ते थे ना, अगर ऐसे ना पकड़ो ना, जोर से ना पकड़ो ना, तो बैटरी निकल जाती है। अरे यार, और गेम में ऐसे हो नहीं सकता कि आप जायरोस्कोप यूज़ करो और मोबाइल को ना हिलाओ, वो तो हिलाते थे बस मोबाइल ही ऑफ हो जाता था, इसलिए फिर खेला नहीं जा रहा था मेरे से। फिर LG G2 पे आया, फिर उसी में खेलता गया। अब इतना अच्छा खेल रहा था मैं उस गंदे डिवाइस पर ना, फिर लोग तब से मुझे हैकर बुलाने लग गए, हैकर करते। फिर मैंने घर वालों को बोला मुझे डिवाइस दे दो, मैं अच्छा खेलता हूँ। उस टाइम हमारी SST बन गई थी, फिर SS में फिर हमारे कातिल भाई थे, वो हमारे स्पॉन्सर थे, SS कातिल बड़े अच्छे बंदे थे, तो उन्होंने फिर हमारी सैलरी लगवाई। फिर घर वालों ने देखा कि ये क्या कर रहा है, गेम से पैसा कैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत सरप्राइजिंग होता है ना। हाँ, उनको देखने में कि यार ये पहले तो समझ नहीं आती उनको। हुँ. जैसे मैं भी अभी बताता हूँ ना मैं क्या करूँ, उनको नहीं समझ में आता कि भाई ये क्या चीज़ है, ये इसमें क्या काम होगा, आगे कैसे होगा। हाँ, तो कभी तुम दोनों ने मिल के समझाने की कोशिश की कि तुम लोग क्या कर रहे होते हो? समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो मेरे पैसा बोलता है। अच्छा, बस पैसे चाहिए। यकीन माने, आपकी पेरेंट्स के लिए ना, अगर आपने अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन देनी है ना और उनको बताना है और उनसे मोटिवेशन लेनी है इस गेम के रिलेटेड, और उनको अगर आप इन्फो ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप इन्फो ट्रांसफर ना करें, उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें जो आप कमा रहे हैं। वो आपको यकीन माने वो खुद आपको जो जो चीज़ चाहिए आपको ला के देंगे। आप गेम खेल रहे होंगे, आपके पास हर चीज़ आएगी, चाय भी आएगी, बिस्किट भी आएंगे, चिप्स भी आएंगे, सब कुछ आपको ला के देंगे। रिस्पेक्ट, आपके घर वाले कहेंगे यार लड़का वो अपना काम कर रहा है, उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, जब आप गेम खेल रहे हैं ना और कुछ कमा नहीं रहे, वो आपके पास बार बार आएंगे कि इसको इसको उठाओ यहाँ से, ये घर यहाँ पर लेटा हुआ है, ये ये टाइम जाया कर रहा है, तो पैसा बोलता है। इस बात पे मैं एग्री करूंगा, ये पहले मिनते कर रहे थे कोई चाय बना दो चाय, अब PMPL खेल रहे थे, पता नहीं चलता सामने से चाय आ रही है। क्या बात है, ये तो मतलब कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरी में कहा जाएगा। चले, 2022 के बाद आपकी जो आगे की जो कॉम्पिटेटिव जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। एक मुझे याद है PMCO आया था, उसमें PMCO में ऑब्वियसली यहाँ पे इतना रुझान नहीं था, आप दोनों ने इंडियन सर्किट को देख के काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंस्पायर हुए थे उस टाइम। इंडिया को ऑब्वियसली हम लोग सोल देखते थे उस टाइम, हम लोग सोल के अलावा गॉड लाइक जो भी प्लेयर्स हैं उस टाइम भी हुआ करती थी, लेकिन उन टाइम 2-3 टीमें थी, TSM Entity उस टाइम पर हुआ करती थी। यस, तो उस टाइम पे टीम INDI NCDS, यस दो स्काउट की टीम हुआ करती थी। जिस बंदे ने INDI को फॉलो किया ना, जिस बंदे ने, वो आज कम्युनिटी में ना, आज जिस भी पूछे, जिसने उसको फॉलो किया वो गेम को समझता। उन लोगों ने ना, स्नैक्स ने और वो स्काउट ने, उन्होंने हमें पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शऊर दिया गेम खेलने का। हमें नहीं आती थी, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने शऊर दिया उन्हीं की। और सबसे ज़्यादा एक चीज़, ओशन शर्मा की वीडियोस देख के हमारे आज बहुत सारे बंदे IGL बन चुके हैं प्रो लॉबी में भी। इनको किसी ने नहीं सिखाया, ये इन्होंने खान जैसा बड़ा IGL है, इन्होंने खान से नहीं सीखा, इन्होंने टीन वुल्फ से नहीं सीखा, इन्होंने टायरेंट से नहीं सीखा, इन्होंने वहीं से सीखा। वो इंडियन कम्युनिटी जो है ना, इंस्पायरिंग है ये, जो टू बी ऑनेस्ट बात है जो है, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। ऑलमोस्ट हमारी 95% मुझे नहीं लगता नौकी ने खेली होगी, लेकिन मैंने बेसिकली खुद इंडियन खेली है। हमारी स्क्रिम्स होती थी उसमें ये सदाकत भाई भी मैनेज करते थे, उनको पता है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान भी होता रहा है,
पाकिस्तान की टीम्स खेलती नहीं है इंडिया के साथ जब तक उनकी गेम नहीं हुई थी, या सदागत भाई को भी पता है इस चीज़ का, वो ये करवाते रहे उनके थ्रू, उनके आगे वैक्सी होता था, जी भाई होते थे, वो मतलब वो लोगों ने बहुत ज़्यादा ना हमें पुश किया है कि यार गेम खेलो सीखो। हाँ, उस वक्त उन्होंने अपने दौर में कुछ ना होने के बावजूद भी जो है ना अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और मोस्टली मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि जो इंडियन कम्युनिटी है ना उसी ने ही हमारे बहुत सारे प्लेयर बनाए, वही चीज़ है ये। मतलब हम देख रहे होते ना कि यार ये हमारे शहर में क्यों नहीं हो रहा, हमारे सर्किट में नहीं क्यों नहीं, बिकॉज हम दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं एंड इंडिया में उस टाइम पे तो बहुत चीज़ें ना मतलब हाइप पे चले गई थी, फौरन उनको ना एक सक्सेस मिला, ग्रोथ मिल गई थी। तो आप भी देख के आए, आपने भी उन तक तो देखा ही होगा, मतलब मैं भी खुद देखता था क्योंकि उस टाइम एक बहुत बड़ा अपना एज एन आइडल को फॉलो करते थे कि सोल जीत रही है, फिर उनको भी कोई लैंड इवेंट में गए थे, बर्लिन में, जर्मनी में गए थे, वहाँ से जीत के, बाकी दो टीम भी थी मेरे ख्याल से, इंडियन टाइगर्स भी उस टाइम हुआ करती थी। तो उस टाइम पर आप लोग को क्या लग रहा था कि वैसे ही फोरम पाकिस्तान में आ सकता है या नहीं आ सकता? हम तो वैसे अगर देखा जाए ना, हम तो उसी का सोच रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा कुछ देखने का नहीं था यूट्यूब वगैरह पर। हम हमारा दिन क्या था, हम सुबह उठो, कॉलेज वगैरह जाओ, आके गेम खेलो, गेम के बाद यूट्यूब में दोस्त, यूट्यूब में सामने सीधा वही गेम आ जाती थी। मेरे भाई भी कहता था गेम खेलता है, गेम से बाहर आता है, यूट्यूब जाता है, यूट्यूब में गेम देखता है, फिर वापस आता है, गेम खेलता है, बस यही जिंदगी रह गई है। सर्कल था, ऐसे ही सर्कल था, फिर उसी में हम देखते रहते उनको। फिर जो जगवाल बात कर रहे थे कि हमने उनसे सीखी है, मैं पर्सनली बताऊँ ना तो जो स्नैक्स की स्नैक्स थे अपने यूट्यूब में, स्नैक्स गेमिंग एक इंडियन यूट्यूबर है, सब जानते ही होंगे उसे, उसने अपने यूट्यूब में प्रैक्टिस की, ड्रिल्स लगाई है, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी। मैं कंप्लीट प्लेयर ना, जितना भी मैंने अचीवमेंट है थोड़ी बहुत जो है ना उसी की वजह से। मैं पहले तो मुझे गेम का पता ही नहीं था कुछ ज़्यादा, इतना खास पता ही नहीं था, बस गेम खेलते थे। उस बंदे ने पूरी गेम की रोड मैप, जैसे होती ना पूरी गेम की रोड मैप, उसका एक बहुत मशहूर भी हुआ था कि क्लोज बंदा जब आए ना, दे जिगल जो है ना, लंबी जिगल उसकी ये ट्रेनिंग ड्रिल्स वगैरह दे के ना, तब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी। क्योंकि वो लोग जैसा बर्लिन वगैरह जैसा बात कर रहे थे, वो बर्लिन वगैरह जा रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम भी जाएंगे। ऐसी कभी छोटी मेंटेलिटी रखी ना हमने, हम बोलेंगे हम भी जाएंगे। आज भी हमारी बात होती है इसकी, पीएमजीसी खेल रहा है, पीएमजीसी खेल रहा है, छोटी बात ही नहीं करनी। नहीं, गोल्स तो होने चाहिए, बिल्कुल गोल्स भरे होने चाहिए, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि आप लोग ने वहाँ से देख के यहाँ पे स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली बहुत वास्ट डिफरेंसेस होता है। एंड वहाँ पे भी जैसे स्नैक्स की आप बात करें, स्नैक्स की भी एक जर्नी थी, जब उनका मेरे ख्याल से 1 मिलियन टच हुआ था, उन्होंने भी अपनी डिवाइस का इशू बताया था ना उस टाइम पे भी। तो आपने कहा भी जो डिवाइस का इशू है और आपके भी जो मशीन इशूज आते हैं, उसमें मजीद और बताएं कि अर्ली कॉम्पिटेटिव लाइफ में आप दोनों को क्या क्या और इशूज हैं? मुझे तो इशू, सबसे बड़ा इशू तो डिवाइस की था, फिर डिवाइस का ये है, मेरा डिवाइस, मुझे पहले डिवाइस मिला था XR, वो भी हमारे कातिल भाई ने दिलाया था, तो हमारे कातिल भाई SS के स्पॉन्सर थे, तो तब मैं खेलता था वो। फिर मेरे घर वालों की वजह से, मैंने बताया था ना कि घर वालों को मैंने बोला था जब सेल्वी आ रही थी, तो फिर उन लोगों ने फिर मुझे डिवाइस दिला दिया था, उन्होंने कोई एंड्रॉयड डिवाइस था, Realme 6 आए, वो डिवाइस दिला था, उस पर खेलता था मैं। फिर तब तो छोटा था, खुद भी नहीं ले सकते थे, घर वालों से मांग के लेना होता था, तो फिर उसी डिवाइस पर खेलता रहा मैं, उसी डिवाइस में मैं फिर मिनी शीनी चला लेता था। तो फिर वो कातिल भाई भी काफ़ी एज बंदे थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी वो हमारे साथ खेल लेते थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए 2 मिनी के शॉट्स मार देता, हेडशॉट वगैरह मार देता, तो MVP बन जाता मैच का। तो फिर उन्होंने देखा कि पोटेंशियल है लड़के में, तो उन्होंने मुझे डिवाइस दिला दी, फिर XR दिला दी। तो फिर उस टाइम XR काफ़ी अच्छा चलता था, अब तो XR खत्म हो गया, वो भी XR भी खत्म हो गया, तो फिर XR काफ़ी अच्छा चलता था। तो फिर उसी XR में खेलता रहा मैं, खेलता रहा, फिर कुछ इश्यूज हुए SS में, फिर SS छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद दूसरे टीम में आया, लेकिन डिवाइस मुझे वहाँ से मिल गई थी, तो फिर उसी डिवाइस पे मैं खेलता रहा, उसी में ग्राइंड करता रहा, उसी डिवाइस में मेरी काफ़ी अच्छी गेम मिली, बेस जो है ना मेरी उसी XR पे बनी थी जो कातिल भाई ने दिलाई। एक बार आप बताएं, अपने अर्ली कॉम्पिटिटिव में आपने क्या मुसीबतें आई, क्या मुश्किल आए थे, आपने किस तरीके से सामना किया उन सबका? ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो लाइफ का पार्ट है गेम में। बात ऐसी है, मैं खुल के बात करता हूँ, मैं जब मैंने स्टार्ट लिया तो मुझे कोई नहीं इतना जानता था, मैं सबको जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था कि ये कौन है क्या नहीं है। आज 3X का कायरो है, वो और मैं सेम टीम में थे, वो 3X को IGL कर रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा IGL कर रहा है, वो और मैं एक ही टीम में थे। वहाँ से हमने गेम स्टार्ट लिया, वहाँ से हमारे रास्ते चेंज हुए। उसके बाद से मैं जिस टीम के साथ खेल रहा था, मैं उसी के साथ स्टिक रहा, मैंने चेंज नहीं किया, मेरा जो रोस्टर था मैं उसी के साथ रहा। कायरो था, जब दो कायरो चेंज किया, कायरो ने अपनी लाइनअप चेंज की, वो चेंज हो गया, वो थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि इलीट लॉबी की साइड पे चला गया, और हम नहीं गए, हम स्टिक रहे, जो हमारा रोस्टर था हम उसी पे रहे,
हमने कोई मतलब चेंजिंग वगैरह नहीं की, और हमें जो मेन चीज है, मेन बात कि उसको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अवेल की, आज वो अच्छी जगह पे है। हमने जो उस वक्त गलती की वो यही थी कि हम जिस के साथ खेल रहे थे हम वहीं खेलते रहे, जिसकी वजह से आज बहुत पीछे रह गए हम। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन हम जो मेन जो मैं सोचता हूँ ना, जो चीज़ ने जो मुझे पीछे रह गया मैं जिस वजह से, वो यही थी कि अपॉर्चुनिटीज हमने बनाई नहीं अपने लिए खुद। उन अगर कोई आई भी तो हमने उसको इग्नोर कर दिया नॉन सीरियस होके कि यार जो हम खेल रहे हैं चार बंदे, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम यही खेलेंगे। वो चीज़ थी एक। उसके बाद स्टार्ट लिया, अपनी टीम थी शुरू से लेके आज तक मैं अपनी टीम में ही खेला हूँ। मैं मतलब किसी की टीम में नहीं गया, कोई टीम ज्वाइन करने की कोशिश भी नहीं की, ना सोचा कभी मैं, क्योंकि अपनी टीम का आइडियल हूँ। और मुझे मेरा ये मोटो है, मेरा ये मानना है कि जब आप खुद, आपके पास एक चीज़ है, मैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी लाइनअप बना सकता हूँ और उस पर काम कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर लेके टीम चला सकता हूँ, तो मैं वही चीज़ जो है ना उसी की वजह से चल रहा हूँ। और मसले ये हैं कि एलिगेशंस वगैरह काफ़ी आए, हैक के रिलेटेड ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आई, इन्वॉल्व रहा उन चीज़ों में, फंसा रहा, उसकी वजह से रेपो भी बहुत ख़राब हुई। मेन रीज़न जो मुश्किलात की, जो कह सकते सबसे बड़ी मुश्किलात यही थी कि रेपो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेसिकली 2019 से ले कर 2022 तक मेरी रेपो बहुत ज़्यादा ख़राब थी हैक को ले कर। जब नोकिया आया F2D में तब भी, लेकिन मैं आज इधर आया हूँ तो मेरा ये काम बनता है कि मैं सबको बता के जाऊँ ये चीज़ अपने बारे में, जो जो लोग सोचते हैं मेरे बारे में, वो ये थे कि 2022 तक मैंने हैक नहीं किया। हम खेलते थे, मैं, नौकी, हमारे साथ एक कशान लड़का था, हमारे साथ ईवल एक लड़का था, हमारी ये F2D की टीम थी, हम ये खेलते थे। जब तक नौकी मेरी टीम में रहा है, हमारी टीम में किसी ने हैक नहीं किया, मैंने खुद भी हैक नहीं किया। उससे पहले, नौकी से पहले एक बीच में कॉन्ट्रोवर्सी आई थी योर सर को लेके, वो लेकिन उसमें भी मैं मतलब लाइक मैं खुद नहीं था, मैं हैक नहीं था, लेकिन लोग यही समझ रहे थे कि ये भी हैक करता है, उसकी वजह से वो जो मुश्किलात आज तक जो है ना वो चल रही हैं। 2022 तक हमने टीम चलाई, ये नौकी भी था, हम PMCO भी खेले, PMCO में हमें डिस्क्वालीफाई भी पड़ा, फिर लोगों ने ये समझा कि इनको जो है हैक की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा बैन पड़े हैं, ये वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखें मैं एक चीज़ बताऊँगा, हमारी कम्युनिटी में ना स्लॉट्स निकालने के लिए बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट्स अपनाए हैं। मैं ये नहीं कहता हमने नहीं अपनाए, हमने भी अपनाए, लेकिन जिसमें जब तक नॉक नॉक और हम एक टीम में रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है जरूरत नहीं पड़ी शॉर्टकट अपनाने की। ये बंदा अभी मेरे साथ बैठा है, ठीक है, हमने बगैर किसी के मदद के, बगैर किसी चीज़ के, बेसहारा हमने खेला PMCO, हमने स्लॉट, हमें स्लॉट आ गया। ये नॉक नॉक भी था उस PMCO में जिसमें हम डिस्क्वालीफाई हुए, हमें स्लॉट खुद ही आया। मेरा जहन में ये था कि हमें रिजर्व स्लॉट आया, क्योंकि हैकर्स बहुत ज़्यादा थे और हमने ये माइंड बनाया था कि हमने हैक नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम्स को बैन वगैरह पड़ा था कम्युनिटी से, तो हम उस चीज़ से डरे हुए थे, जो सच्ची बात है, डर के हमने कहा हमने हैक नहीं करना, हम ऐसे खेलते हैं बस। पहले बहुत जलील हो चुके, अब और जलील नहीं होना, क्योंकि उससे पहले कंट्रोवर्सी योर सर की, मैंने बार बार आपको नाम बताया, योर सर का नाम लिया, वो कंट्रोवर्सी जो थी ना वो हमारी टीम ख़त्म कर गई थी। कोई बंदा रेडी नहीं था आने के लिए और कोई बंदा स्लॉट देने के लिए रेडी नहीं था। जिस टूर्नामेंट में खेलो, यकीन माने POVs दे के ना, पैकेज होता था 15 GB का पैकेज करवाते थे, 15 GB का एक डालते थे, दूसरा डालते थे, दिन में दो दो पैकेज भी कराए सिर्फ POVs अपलोड करने के लिए। तो वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन उसके बाद फिर वो खेला हमने, डिस्क्वालीफाई हुए, फिर उसके बाद टीम चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, 2022 के मार्च से लेके 2022 के मार्च से आगे ऑनवर्ड्स 3 महीने मैंने भी शॉर्टकट मारा। लोग सही कहते हैं मैंने शॉर्टकट मारा, मैं गलत रास्ते पे चला, नहीं चलना चाहिए था या चलना चाहिए था ये आज तक मुझे नहीं पता चला। लेकिन उसकी वजह जो थी वो ये नहीं थी कि मुझे फेम चाहिए था या मुझे इन्वाइटेड स्लॉट चाहिए थे, या F2D सेकेंड PMCO में भी थी, हमें अल्लाह का शुक्र स्लॉट आता था, इन्वाइट भी आता था, अच्छे लड़के थे, तलाल भाई था हमारे साथ, माफिया था, वो भी 2-3 लड़के थे, तो हमें स्लॉट आता था। हमने फेम के लिए ये चीज़ नहीं की। मैं मुश्किलात में इतना घिर गया कि मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार हम लेजिट खेल रहे हैं, लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये नॉक नॉक है, कशान है, ईवल है, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी कम्युनिटी जो है वो नहीं जान छोड़ी, POVs भी दे रहे हैं। मेरे बारे में मशहूर था मैं रेड मैजिक यूज़ करता हूँ,
मेरे तकरीबन 1.5 साल मेरे पे एलिगेशन रहे रेड मैजिक यूज़ करता हूँ। यकीन माने जो बंदे मुझे कहते थे रेड मैजिक यूज़ करता हूँ, उनको यही नहीं पता था कि चेक कैसे करना है कि ये वो वाकई रेड मैजिक है या नहीं है। ये तो अब जाके उनको पता चला, ओहो यार वो तो जगवार उस वक्त जो POV देता था वो तो आईफोन के थे, वो रेड मैजिक की तो साउंड ही अलग होती है, वो तो आईफोन की साउंड थी। अब जाके लोगों को पता चलता है मैंने रेड मैजिक यूज़ किया। मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने नहीं किया, मैंने किया बीच में, जो 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ मैंने उसमें यूज़ किया है, मैं गलत रास्ते पे आया हूँ। लेकिन उसकी वजह यही थी कि मुश्किलात इतनी हो गई थी कि तंग आ गए थे, गेम छोड़ रहा था मैं। इसको मैंने कहा नौकी को, नौकी क्या करना है? ने कहा जो भी हो बताओ क्या करना है। मैंने कहा यार मैं गेम छोड़ रहा हूँ तेरा, मैं देखता हूँ क्या करना है, तेरे को कहीं एडजस्ट करवा देता हूँ। जनाजा था आर्केडियन में, उन्होंने प्लेयर मांगा। सबसे पहले मैंने TFD को, PMPL स्लॉट था, मैंने इसके लिए सोचा, मैंने कहा यार PMPL स्लॉट है तो ये TFD में जाएगा, वहां पर खेलेगा, इसका बनेगा सीन। PMPL की बात बता रहा हूँ, वो जो पीछे जो था वो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि यार हैक मैंने किया है, ऑन कैमरा बता रहा हूँ किया है, लेकिन सबसे एंड पे आके किया है, तंग आके 3 महीने गिन के किया है। और वो इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फेम चाहिए था, वो इसलिए किया कि उनको नजर आए कि ये हैक था या वो हैक है, वो चीज़ में। उसके बाद इसको मैंने नौकी को कहा, मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गया है। बीच में बैन भी पड़ा एक दफ़ा मुझे इन गेम, लैन इवेंट हो रहा था, B4 का लैन इवेंट हो रहा था, बैन पड़ा। यकीन माने अल्लाह गवाह है, हैक नहीं लगाया हुआ था उस वक्त, नहीं लगाया हुआ था, लेकिन वो फोन रेड मैजिक था और वो रूट हुआ हुआ था, उसकी वजह से मुझे बैन पड़ गया। उसमें हमें जरूरत भी नहीं थी, उसमें ना लिटरली उसमें जरूरत नहीं थी, ये उससे पूछ लो, उसमें मैंने जरूरत नहीं थी हैक की, ना बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि यार हैक करके स्लॉट निकालेंगे, वो बॉट लॉबी थी। आज भी मैं बोलता हूँ मुझे जितनी अच्छी लॉबी खिलाओगे मैं ज्यादा उतना अच्छा आपको खेलता नजर आऊंगा, लेजिट उतना ज्यादा अच्छा खेलता रहूंगा, जितनी छोटी डाउन लॉबी आएगी उतनी मेरी परफॉर्मेंस टीम की भी डाउन होगी, ये चीज थी। तो उसमें बैन पड़ा, मैं बहुत परेशान हो गया। उससे पहले आज तक मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी वो किया था ना, मुझे डर नहीं होता था, लोग मेरे गालियां देते थे, लोग मेरे पे बार बार POVs मांगते थे, वो करते थे। इस पर नौकी को साथ, जब नौकी भी था इस पे और मेरे पे, दोनों पे, मैं अकेले पे नहीं, मेरे पे तो चलो थे ही थे, इस पे भी हम दोनों पे मांगते थे POVs दो, ये करो वो करो। UMP मुझे याद है, एक स्पेसिफिक टीम का नाम नहीं लूंगा, उसको हम मारते UMP सप्रेसर के साथ थे, वो उसने तो मजाक बना लिया था उसने सप्रेसर लगा के UMP मारते थे, तो वो मारने की देर होती थी, लिटरली किल फिट चली, मैसेज गया हैकर, POV दो, POV स्पार्क है, बड़ा अच्छा बंदा है वो, उसको POV दो। तो लाइक ऐसा सीन हो गया था। तो नौकी को मैंने फिर बोला, मैंने कहा यार अब बहुत ज्यादा जलालत हो गई है, बहन भी पड़ गया है, ठीक है अब नहीं करना, गेम छोड़ दी। नौकी को TFD में भेजा, नौकी TFD में गया, उस वक्त इसके थोड़ा सा कुछ सीन चल रहा था, मैं बताता हूँ इसका कुछ सीन चल रहे थे, तो वहां से नहीं हुआ इसका, तो इसने वहां से TFD भी छोड़ दी। फिर जनाजे ने मुझे कहा यार नौकी दे दे, तू गेम नहीं खेल रहा, तुम्हारी टीम डिसबैन हो गया, तो मुझे नौकी दे दो। मैंने नौकी को, मैंने कहा नौकी जाके जनाजे के साथ खेल, जब तक कोई अपॉर्चुनिटी आती तब तक खेल। नौकी चला गया जनाजे के साथ, मैंने गेम छोड़ दी, PMPL आ गया। अब आए, अब सबसे जो है ना मजे की बात, जो सबसे ज्यादा फेम मिला ना माशाल्लाह, वो PMPL की वजह से मिला मेरी स्टोरी में। मेरी जो मुश्किलात है ना वो यही है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। फेम आ गया, PMPL आया, मुझे QE की तरफ से मानी बे का मैसेज आता है, जैगवार टीम बनानी है। मैं गेम छोड़ चुका था, मैं गेम छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी गेम। मानी बे मुझे कहते हैं टीम बनानी है, तो क्या होगा? कहा जी खेल लूंगा, मैं गेम छोड़ चुका हूँ, मैंने मेरी एंड हो गई है, मैंने बस कर दिया, मैं नहीं खेलता। नहीं जैगवार तू अच्छा ही चले, तू कर, तू खेल। मैंने कहा रोस्टर क्या होगा? मानी बे ने कहा यार मेरी शादी है और कोई इस तरह की कोई वजूहत है, मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं खेल सकता, आप खेलो, मैं तुम्हें प्लेयर देता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, तो मेरी जॉब थी, मैं मुझे पता था मैं टॉप टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैंने जॉब में से टाइम निकालना शुरू किया। मैंने वापस गेम उसी रेड मैजिक पे, रेड मैजिक को पहले अनरूट करवाया, रेड मैजिक को दोबारा स्टार्ट लेने से पहले अनरूट करवाया, उसको पूरा क्लियर किया, क्योंकि उससे पहले मुझे एक दफ़ा लैन इवेंट में पड़ चुका था बैन रूट की वजह से, हैक की वजह से नहीं, हैक वैसे मैंने किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हैक की नहीं किया ये वो, लेकिन वो जो बैन पड़ा था मुझे वो रूट की वजह से पड़ा था, पता नहीं क्या वजह थी, जो भी थी रूट की वजह से मुझे बैन पड़ गया। मैंने रूट शूट हटाया, मैंने गेम दोबारा इंस्टॉल की, मैंने रात को आके मैं 9 बजे मैं ऑफिस से आता था, 9 से लेके 11 तक मैं ट्रेनिंग बोर्ड में जाना शुरू हो गया। मैंने कहा यार अभी PMPL आ रहा है, फर्स्ट PMPL है, तो यार ये ना वो बॉटों की तरह खेलते रहे तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, मुझे एक रोस्टर दिया गया मानी भाई की तरफ से,
क्लाउन था, और राफे मैंने प्रेफर किया उनको, बिलाल था, आदि था, सरदार था, एंड में हसी भी आ गए थे। वो तो बाद बीच में आया पीएमपीएल के। मुझे ये रोस्टर दिया गया, मैं खेला। टू बी ऑनेस्ट बात बताऊंगा, ये प्लेयर उनको भी पता है, मैं उनके साथ खेला। मैंने उनको बोला यार, मैंने कहा यार ये लाइनअप नहीं सही है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये लाइनअप नहीं सही है, ये प्लेयर लेके मैं पीएमपीएल नहीं खेल सकता। मैंने शुरू से एक चीज दी है, ये नोकिया आपको बताएगा, मैं ना हमेशा ना बेस्ट मांगता हूँ, मैं नहीं देखता आगे आइए। इसमें अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो वो यही चीज है कि हमने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। ये अब गया ना आरसीजी में, ये कॉन्फिडेंस इसके पास अब नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस जब से है, जब से ये खेल रहा है मेरे साथ, तब से ही है, उससे भी पहले का है। वो यही है कि देखा नहीं आगे, I8 है, MGS है, कौन सी है, 3X है, जो भी है, नहीं देखा। ये हमारी अंडरडॉग टीम ज्यादा मार उधर ही खाती है, हमने जो मार नहीं खाते ना इस लॉबी में, बड़ी लॉबी में, वो इसलिए नहीं खाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कौन है। आप PMGC भी खेल के आए होंगे, मेरा मानना यह है कि अगर एक टीम 15 दफा भी PMGC खेल के आ जाए, गेम के अंदर उस जगह पे, उस पॉइंट पे जो सिचुएशन है ना, वो आप नोवा एक्सक्यूएफ को भी मार सकते हो, और गंदी तरह मार सकते हो, क्योंकि ये गेम ही सारी डिसीजन लेने की है ऑन पॉइंट, उस सिचुएशन में टीम क्या कर रही है वो वहां की में। तो ये चीज की वजह से ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या था। मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार हमारी ना ये टीम सही नहीं है, मैं नहीं खिला सकता, ये मैं कैसे खिलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्रैगर कौन है, सपोर्टर कौन है, क्या है क्या नहीं है। मैंने मानी भाई के पास गया, मैंने मानी भाई को बताया, मानी भाई ने कहा यार अब जगवार यही है, जो भी है, क्लाउन है, सरदार है, राफे है। आपको याद होगा PMPL में हम फर्स्ट वीक 3 मैन खेलते रहे, बहुत सारे मैचेस हमने 3 मैन खेले। मैं जॉब से आता था, यकीन माने मैं आपको सब बताता हूँ, मैं जॉब से आता था, आके मेरे पास 15 मिनट होते थे आईडी पास आने में, 15 मिनट में ट्रेनिंग मोड में घुसा, जाके अपनी ड्रेस स्प्रे वगैरह मारे, थोड़ी सी वार्म अप किया, आईडी आया, घुस गया रूम में, और मेरे पास आगे 3 मैन होते थे, आगे मेरे पास क्लाउन, सरदार, मैं, बीच में राफे कभी होता था कभी नहीं होता था। बहुत मसला था, बहुत ज्यादा, मतलब मुश्किलात से भी हद से ज्यादा। फर्स्ट ऑफिशियल हो रहा है, ठीक है, बड़ी स्टेज है, PMPL है, उसमें आपके आप 3 मैन खेल रहे हो, ठीक है, खैर है, वो चलो खेल लिया, खेलना शुरू किया, फर्स्ट वीक गुजरा, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ इतना कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा मैचेस थ्रो भी कर दिए हमने 3 मैन होने की वजह से। वहां पर मुझे, मेरे तक बातें पहुंचने शुरू हुई, कि उस वक्त तक, ये तब की बात है, अभी तक मानी भाई नहीं आए थे गेम में, मानी भाई ने अभी तक अपना डेब्यू नहीं किया था, मानी भाई स्टार्ट नहीं लिया था, ये फर्स्ट वीक की बात है। मेरे तक बातें आने शुरू हो गई, कोई यहाँ से मुझे वीडियो भेज रहा है, कोई वहाँ से मुझे वीडियो भेज रहा है, जी हमारे कास्टर्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्यूवी को देख के, खाली मुझे नहीं, क्यूवी का नाम पढ़ के वो बातें हो रही, मैं, मुझे भी बुरा लगा। मैंने कहा यार अभी तो मानी भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं है, 8वें 9वें पे जा रहे हैं, ठीक है मेरे किल्स आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप खेल रहे हैं, आप अपने साथ 3 बंदे रखेंगे, आप उनसे अच्छे हैं, आप उनको खेल निकालने देंगे? आप उनको खेल नहीं निकालने देंगे, आप खुद निकालेंगे, आप खुद अच्छा खेलेंगे। वही सीन में ऐसा चल रहा था, मुझे उधर उन, मैं टीम को आइजल कर रहा हूँ, मैं रोटेशन करा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे बंदा पता है बंदे किधर है किधर नहीं है, मेरे पास इन्फो, मैं 360 देख रहा हूँ, ठीक है, उनको मैंने एंगल दिया, मैं खुद मैं 360 देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है किल मेरे पास ही है, ऊपर से मेरे पास मिनी 8X, तो वैसे ज्यादा किल आएंगे। तो ये सीन था, तो मुझे, मेरे तक बातें पहुंची कि यार जगुआर भी हैक कर, मैं, ठीक है, मैंने कहा हैक कर रहा है, देखें ऑफिशियल में हैक करना आसान काम नहीं है, हर बंदे के बस की बात नहीं है करना, लेकिन हमारी कम्युनिटी को लगता है बस हैक लगाओ चले जाओ खेल लो जगवार बन जाओ, वो कहते हैं जगवार आ गया, जादूगर आ गया। हमारे कास्टर कास्टर भाई हैं, हमारे कास्टर भाई, उन्होंने मुझे जब F2D में हम खेले थे, मैं अनलॉक में, हमें कास्टर भाई का अलादीन भाई, हमें अलादीन भाई, हमें अलादीन में कहते जादूगर, ये जादूगर भाई ने AKM से नॉक दे दिया, ये जादूगर भाई ने मिनी चला दिया FS ब्लैक पे, ये कर दिया, तो वो लोगों ने कहा जी जादूगर है। अभी ये तब की बात है कि जब QE परफॉर्म नहीं कर रही, फर्स्ट वीक सिर्फ जगुआर परफॉर्म कर रहा है, वो भी पता नहीं 10वें नंबर पे बैठा हुआ है किसी टॉप रैंकर की लिस्ट में, वो भी कितने पता नहीं 12-15 मैचों में 10-12 किल करके लाइक एवरेज 1 किल 2 किल इतना। और ये था, मैं मानता हूँ ये चीज़, मैं मानता हूँ ये चीज़ कि उनका अपना एक बजा भी था लोगों का शाइशा करना। मैं मेरा हर मैच में ना, मेरी टीम का अगर 4 किल है ना, उनमें से 2 मेरे होंगे, ये था, ये चीज़ मैंने खुद भी नोट की, ये चीज़ थी वाकई में, ये थी कि मेरी टीम किल निकाले ना निकाले, मेरा 1-2 किल हर मैच में आते ही आते थे, कोई किधर नॉक पड़ा होता। और उस वक्त वो मेटा भी थोड़ा सा चेंज था, मतलब सर्वाइवल गेम हो रहा था ना, तो अब टीम्स फाइट अवॉइड करके ओपन में जोन लगाएंगी, कवर्स लगा रही हैं, स्मोक डाल रहे हैं, ठीक है, वो वहां पर किल्स निकल रहे थे उस तरह के, दूर दूर से किल्स निकल रहे थे, अब तो मेटा काफ़ी चेंज हो गया। तो वीक 2 आ गया, मैं मानी भाई के पास गया, मैंने मानी भाई को कहा, मैंने कहा मानी भाई हालात बहुत खराब है,
हालात बहुत खराब है, तीन मैन खेल रहे हैं, हालात बहुत खराब है, मुझे चेंज चाहिए टीम में। मानी भाई कहते हैं अच्छा मैं बिजी हूँ, मैं बात करता हूँ। मानी भाई ये पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, जो भी सोचा उन्होंने। मानी भाई ने कहा मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ। मानी भाई ने मुझे कहा क्या करना है, मैंने कहा जी दानी है, सैलाब आ गया, रुड़ गया, सैलाब आया है, रुड़ गया। नॉर्डविन को मिनते दरले कर करके हमने बहुत रिक्वेस्ट की हमने उनसे, आखिर में उन्होंने आके हमें प्लेयर चेंज करने की ऑप्शन दे दी। हसनी को ले आया मैं, हसनी को साथ ले आया। मैंने कहा हसनी को भी लेके आते हैं, मैं भी खेलता हूँ, राफी खेलेगा। मानी भाई कह रहे मैं भी आ रहा हूँ। अब तक हमें पता चल गया था कि अब मानी भाई भी आ रहे हैं और हसनी भी है। अब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं निकाल लूंगा, अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। वह चीज़ जो थी ना, वो मेरी जिंदगी की ना आप बोल सकते हैं कि बस कुछ ऐसा वो था कि वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या था। जो पीएमपीएल खत्म होने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, वो मुझे पता है। तो वो उस वक्त मेरी बड़ी खुशी थी, मुझे बहुत खुशी थी कि यार अब मानी भाई आ रहे हैं, अब हमारी टीम पक्की हो गई है, बसनी भी आ गया, अब राफे और मैं अब मैच निकालेंगे। हमने खेलना शुरू किया। एक चीज मैं बता दूं, लोगों को शायद पता नहीं है, आप पीएमपीएल की मैप फीड देख सकते हैं, आइजलिंग मैंने की है, आइजलिंग मैंने की है पूरे पीएमपीएल में। मैंने मानी भाई को कॉल देने की वो नहीं की कि मानी भाई मुझे बताएं कि बंदे किधर नहीं है तो किधर हैं तो कहाँ जाना है, नहीं, बंदे हैं नहीं है जो भी है, जगवार आगे है, जगवार आईजी है, जगवार जो बोलेगा वो होगा, मानी भाई जो मर्जी बोलते रहे। और पूरे टूर्नामेंट में ना किसी में बीच में कोई एक आधी कोई कॉल देते हो कि यार इधर से बचो, ये करो, वो करो, वो चीज़ फिल्टर कॉल जिसको बोल सकते हैं आप, एज अ सीनियर प्लेयर आप बोल दो, तो वो उन्होंने दी। पूरे टूर्नामेंट में मैंने आईजी की, मैंने मेहनत की अपनी, और फिर गालियां मुझे पड़ी हैं। मुश्किलात, आपने मुश्किलात की बात की ना, वो मुश्किलात थी कि यार मैं खेल रहा हूँ ठीक है, एक बंदा अभी और उसके बीच में नेस्को 1v4 पड़ गया, ब्रिज के पास, मैं ब्रिज के नीचे लेटा हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मैं ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था, हमने वो जगह होल्ड की हुई थी और हमने ऑपोजिट आके वो जगह होल्ड की थी। मैंने इनको बोला था कि हम इधर ही रुकेंगे, जोन कहीं और था, मैंने कहा नहीं हम इधर रुकेंगे, जोन खुद आएगा इधर, हम यहीं से गेम निकालेंगे और ये साइड खाली होगी, हमें फायदा होगा। वही हुआ, जोन आया हमारा, यहाँ से मैच निकला, लेकिन वहां पर जोन आने से पहले नेस आ गई, उनको भी लगा कि आज वो चलते हैं खाली है, लेकिन हम वहां पर सारे कैंप लगा के बैठे गए थे फुल। मैं तो ब्रिज के साथ जुड़ के बैठा हुआ था और उनको एंड टाइम तक नहीं पता था। मैंने मेरे टीममेट को नॉक भी दिया नेस ने, और मतलब ये सीन हुआ, मैं वहां पर बैठा हुआ था पत्थर के पास। आई टीम उतरी, टीम ने पीछे नहीं देखा, ना राइट क्लियर किया ना लेफ्ट क्लियर किया, टीम ने गाड़ियां रोकी, टीम पहाड़ी चढ़ी है, कोपेमा सर करने जा रहे हैं, उनको नहीं पता आगे कौन है, पीछे आगे गया, नहीं नहीं आगे कौन है, आगे मानी भाई और क्लाउन थे। अच्छा। आगे चढ़े, ठीक है, आगे चढ़ के उन्होंने नॉक दिया क्लाउन को, क्लाउन के किसी एक को नॉक दिया, या क्लाउन या मानी को नॉक दिया। मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, मैं सब शो देख रहा हूँ उस वक्त तक, उस वक्त मैं हीरो नहीं बना, उस वक्त तक मैं सिर्फ स्पेक्टेटर था उस शो का। उसके बाद मैं उठा, मेरे सामने से एक बंदा राइट जा रहा है, मैंने उसको मारना शुरू किया, वो नॉक हुआ, दूसरे को मारना शुरू किया, नॉक हुआ। तब तक उन्होंने अभी तक मुझे स्पॉट नहीं किया था, मैं देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ मैं, वो आपने वो देखा होगा, 1v4 मारने के बाद भी मैं हंस रहा था कि ये हुआ क्या है, वो कहीं और फायर मार रहे हैं, कहीं और फायर मार रहे हैं, मुझे एक भी गोली नहीं लग रही ना, उनको पता है किधर से फायर आ रहे हैं, दो नॉक दिए, तीसरा भी देखो लाइक के आप फ्री में, ऐसा सीन था वो कि फ्री में तीन बंदे उधर उधर घूम रहे हैं, आप उनको नॉक डाल रहे हो, डाल दिया। आखिरी बंदे को थोड़ी सी मुशक्कत हुई, उस बंदे ने मेरे आगे वाला पत्थर बहुत तोड़ा, उसने कहा कि पत्थर के अंदर से चली जाए गोलियां, लेकिन नहीं गई। आखिर में जब वो उठ के भागना शुरू किया, मैंने उसको भी उठ के मार दिया। और मैं जब वापस आया, वापस भी क्या आया, जब लोगों ने स्ट्रीम देखी, यकीन माने मेरा इंस्टाग्राम, मैं अब आज भी आपको अपनी चैट दिखाऊं तो भरी हुई हैं, गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां, ये वो, तुम हैकर, तुम ये, वो मानी को भूल गए, हमारी कम्युनिटी मानी को भूल गई, जगवा रहकर है मुश्किलात। वो चीज़ जो है ना, वहाँ से मैं टू बी ऑनेस्ट बात बताता हूँ, मुझे नहीं थी ज़रूरत। जब आपको पता है कि आपकी टीम में है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, और उस चीज़ पर ज़रूरत, उस चीज़ पर कि मेरा कैरियर लंबा है, मैंने लंबा खेलना है, मेरी चीज़, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आप इस रास्ते पे नहीं जाते कि आप हैक करके स्पेसिफिकली एक किसी इवेंट के लिए आपको कि मैं हैक करके उसमें से अचीवमेंट निकाल लूँ, उस चीज़ के लिए मैंने आज तक हैक नहीं किया। ये मैं आवाम को भी बताना चाहता हूँ, ये अपनी कम्युनिटी को भी मैं बताना चाहता हूँ,
इस बंदे ने जितना अरसा मेरे साथ खेला है, इस बंदे ने तो बिला फजूल की गालियां खाई। मैं तो चलो ठीक है, मुझे समझ भी आती है कि यार जगवार है करे, क्योंकि जगवार बदनाम है जमाना बंदा, ठीक है, क्योंकि वो पिछला जो जोर सर का जो सिनेरियो गुजरा उसमें लोगों को लगता था शायद ये जानबूझ के लेके आया हैकर को, हैक कराने के लिए लाया, ठीक है, तो वो था। लेकिन इस बेचारे को भी रगड़ा लगा मेरी वजह से, और इसकी वजह से मुझे भी लगा, और मुझे भी मतलब हम दोनों बिला फजूल का रगड़ा लगता था। पीओवी नौकी ने मारा, पीओवी जगवार भी पीओवी दे, नौक भी दे, नौकी ने मारा जगवार भी पीओवी दे, जगवार ने मारा नौकी भी पीओवी दे, जगवार भी दे, दोनों दें पीओवी, दोनों हैकर। तो वो मुश्किलात थी पीएमपीएल के, जो मैंने आपको बड़ी लंबी स्टोरी बताई है, ये एग्जैक्टली यही हुआ। फिर उसके बाद हमें स्पेसिफिक कुछ बंदों की तरफ से बताया गया कि आप आएँ, आके खेलें लाहौर में, आके बैठ के खेलें, वहाँ पर गेम खेलें, वहाँ पर आप खेलें। पीएमपीएल के ही दौरान की बात, पीएमपीएल ही की है, टू सेकेंड वीक के बाद। सबसे पहले सेकेंड वीक के बाद तो हमें वो आ गया कि हैंड कैम्स दें, सब प्लेयर्स हैंड कैम दें, सब हैंड कैम्स बाद में दें, पहले उन्होंने कहा आप अपना एड्रेस दें, आपके घर बंदा भेजेंगे, जो आप एडमिन आएंगे आपका गेम देखेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा, मैंने कहा यार समझ भी आती है, चलो ठीक है, ठीक है, मानी भाई खेल रहा है, मैं ये चीज़ पे कभी भी बहस नहीं करूँगा कि मानी क्या था क्या नहीं है क्या नहीं था, वो मेरे लिए एक इज्जतदार आदमी है, उसको बहुत सारे अच्छे बंदे भी जानते हैं उस बंदे को कम्युनिटी के। मैं उसको कभी भी ये सोच के उसको गाली नहीं दूंगा, या ये सोच के उसको ये नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से हमारी रेपो खराब हुई, या उसकी वजह से क्यू के स्लॉट गया, उसकी वजह से प्राइज पूल गया, मेहनत गई, साउथ एशिया गया, उसकी वजह से नहीं, मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा। वो एक बहुत अच्छा बंदा था, उसने हमें मौका दिया खेलने का, हमें कोई नहीं खिला रहा था, इसको भी मैं खिलाने लगा था। और मैं बाद में सोचता हूँ कि यार ये जिंदगी का पता नहीं कौन सी नेकी की हुई थी इसने, जो इसकी बचत होगी, इसको आरटीजी में वाज ने वो उसने नॉक्टो ने वैसी रातों रात ऐसी बस रजिस्टर कर दिया। मैं बताता हूँ वो भी अलग कहानी, वो ये अपने बताएगा। तो ये चीज़ थी, जब हमें ये बोला गया कि एडमिन आएंगे ये वो, पहले मैंने कहा यार ठीक है एडमिन आएंगे, मैंने अपने घर का एड्रेस दिया, उन दिनों में मैं गाँव में था, मैंने कहा आ जाओ आके कर लो, रोला बना हुआ। हम रोज आके डिस्कॉर्ड के वॉइस चैट में बैठे हुए कैमरे सेट करवा रहे होते थे, टीमें रेडी हैं, टीमों के माइंड में चल रहा है कि हमने आज कम बैक करने, हमने इतने पॉइंट, हम ये कह रहे हैं कि आज हमने कौन से एंगल से हैंड कैम देना है, हम हैंड कैम देने के एंगल ढूंढ रहे कि यार हैंड कैम देना है, हमने एंगल बनाने, तो एंगल सेट करो। वो भी इंडियन से नॉर्डविन के, उन्होंने भी बहुत अच्छा वहाँ से, उन्होंने बहुत अच्छा बहुत तावन किया उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे, लेकिन ये कि प्रेशर इतना होता है हमारी कम्युनिटी का कि वो एक चीज़ को लेके बैठ जाए ना तो पीछे पड़ जाए, तो वो पड़ जाते हैं, फिर आप जितने मर्जी सही हैं गलत हैं उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने वही करना है कि वो जब इकट्ठे होगी 5-7-10 टीमें इकट्ठी होगी, तो वो नॉर्डविन पे भी प्रेशर किया उन्होंने अपनी जितना वो कर सकते थे, डिवाइस चेक, इवन कि मेरा तो डिवाइस भी चेक किया, मुझे कहते चेक कराओ ये रूट है या नहीं, मैं आपको बताया ना जैसे पीएमपी के स्टार्ट में मैंने अनरूट कर दिया, मैंने दिखा दिया, मैंने ये देख लो भाई, अब मनी मैंने भी दिखाया या नहीं दिखाया उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जरूरत है दिखाया, मनी मैंने भी दिखाया, सारों की डिवाइस चेक हुई, हसनी भी खेल रहा था, हसनी की भी डिवाइस चेक हुई, तो मेहनत बहुत थी। लाइक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं लॉन्ग बताऊंगा ना तो ये पूरी पॉडकास्ट जो है ना खत्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी, लाइव सेशन चलेगा ये। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये था कि हम जितना तावन कर सकते थे, मैं, हसनी, क्लाउन, राफे, सरदार, हम जितना तावन कर सकते थे हमने किया। मानी भी की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि एट द एंड नॉर्डविन ने यही बोला कि मानी कुछ कर रहा था, मानी कुछ यूज कर रहा था, मानी मरा हुआ था। अब मैं उसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो मरा हुआ था, और उसी मैच में जिसमें उस पर उसका उस पर कहते हैं कि हैक पकड़ा गया, लाइंस नजर आई, उसी मैच में मैंने अपना एक बंदा रोटेशन में जाया कराया, मैं सबसे आगे था, सैन मार्टिन के पास से मैं गुजर रहा था, मैंने कहा क्लियर है आ जाओ, वो क्लियर नहीं था, वो क्लियर नहीं था। हम गए, मेरी गाड़ियों को पड़ी क्वेटी मारने शुरू, क्वेटी ने हमें मारना शुरू किया, दोनों साइडों पर थे, मैंने कहा क्लियर है आ जाओ, मानी भी साथ खेल रहा है, ये बात भी आप नोट करें, मानी भी साथ खेल रहा है, हमने बंदा जाया करा दिया अपना, मानी भाई खुद जाया हो गया। मैं वहां से वापस मुड़ गया, हसनी को वापस मोड़ दिया, राफे था या कौन था वो भी वापस मुड़ गया, मानी भाई वहां पर जाया हो गए। अब वो मुझे बात हजम ना हो, मैं एक बंदा स्पेक्टेट कर रहा है, हम गेम खेल रहे हैं, जोन कट चुका है, फंस चुके हैं, बहुत बुरा फंस चुके हैं, वहां से कुछ भी नहीं था, वहां पर लेफ्ट पे टीम थी, मुझे पता है गेम खत्म है, मेरा जहन में यही था कि यार अब कुछ जो एक दो पॉइंट निकलते निकल जाए, गेम खत्म हो, ये सीन था। वहां पर इतने में आवाज आती है मानी भाई के माइक से, मानी भाई के माइक से आवाज आती है, ये क्या है, जो एडमिन था वो बोलता है ये क्या है, मानी भाई कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ, स्पेक्टेट कर रहा हूँ, उसने बोला नहीं ये क्या है, क्या ये,
उसका जी पता नहीं वो गेमिंग मोड है क्या है ये गेमिंग मोड है तो कुछ ऐसी ऐसी कुछ उसने बोला नहीं ये कोई गेमिंग मोड है क्या है। इतनी देर थी माइक बंद हुआ मैं वापस आया मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि उसने ये क्यों बोला है कि ये क्या है। ये बंदा मरा हुआ है आइजल मैं हूँ रोटेशन मैं कराता हूँ कहाँ पर जोन लेना क्या करना है मैं कराता हूँ उस बंदे ने ये बात क्यों की कि ये क्या है। मेरे जहन में चीज़ें चलना शुरू हो गई। इतनी देर में आई डी पास आया मैं अंदर गया अंदर जाके रूम में बैठा जैसे ही मैं बैठा थोड़ी देर बाद एक केक दूसरा केक तीसरा केक चौथा केक कहानी खत्म फिनिश। ये तब की बात कि हम ऑलरेडी साउथ एशिया क्वालिफाई हो चुके हैं टॉप सिक्स है लास्ट डे है उसके बाद एक दो मैच रहते थे हो चुका है सब। इसके पीछे भी कहानी जिसमें फिर आरटी गया हाँ 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 वो पॉइंट वाला यहाँ पे आपका किस्सा खत्म होता है वहाँ पे दूसरी टीम का किस्सा हाँ मेरे किस्सा अभी हम खत्म हो रहा है ना अभी आगे ये शुरू कर देगा इसका किस्सा ज्यादा मजे का मेरा तो चलो दूसरा और टाइप कंट्रोवर्शियल ऑफ ये मैं अफसोस कर रहा हूँ और इसमें मैं देखे मैं ये वाले बात खत्म कर लूँ। ये चीज हुई इतने में अनाउंसमेंट आती है एडमिन की तरफ से डिस्कॉर्ड पे के वेट वी आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। किस चीज़ की कन्फर्मेशन भैया हम उधर शुरू हो गए मैं तो चुप नहीं रहा। मैं आपको पता है मेरी एक चीज़ है एक आदत है मैं चुप नहीं रहता मैं मेरे को बोलने का बहुत बहुत बीमारी है। मैं नहीं देखूंगा आगे कोई सीनियर बंदा है या जूनियर बंदा है या क्या अगर मुझे नहीं पता ना अगर मुझे लग रहा है ना कि वो गलत है अगर लग रहा है गलत है तो मैं बोलूँगा चाहे वो कोई भी है मेरा टीम मेट है जो भी है गलत पे मैं बोलूँगा अगर मुझे लगता है कि वो गलत है मैं बोलना शुरू हो गया। मैंने कहा यार तुम ऐसा ज्यादती कर रहे हो ये वो इंग्लिश भी बोलना शुरू की बीच में पंजाबी भी शुरू कर दी पटवारी भी शुरू कर दी सब मिक्स डिस्कॉर्ड पे चल रहा था उनको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी ये बॉल कह रहा है। ऐसी हालत हुई भी थी क्योंकि अच्छी बात है पीएमपीएल साउथ एशिया क्वालिफाई हो रहे हैं किक पड़ रहा है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके आपने बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं। मैंने यकीन माने ये चीज़ एक चीज़ बताऊँ आपको हमने ये सोचा था साउथ एशिया क्वालिफाई हो रहे हैं पूरा रोस्टर चेंज कर देंगे पूरा रोस्टर एक हसनी को छोड़ के। ये मैंने मानी भाई से बात हो चुकी थी मानी भाई ने मुझे कहा जगवार स्लॉट तेरा है बस ये मेरा लास्ट है बिलाल छोड़ चुका है गेम ये मेरा लास्ट है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे पास प्लेयर नहीं थे मेरा ये लास्ट है मैं गेम छोड़ चुका हूँ मुझे नहीं कुछ भी नहीं चाहिए ये स्लॉट रख। मैंने आगे पीछे एक दो बंदों को भी बताया मैंने कहा यार स्लॉट आ गया है मानी भाई ने कहा ये बस ये पीएमपीएल खत्म हो तुम लोग अपनी टीम बनाओ खेलो क्यूई के नाम से ठीक है खेलो तुम। मैंने कहा जी ठीक है वो चीज़ जो ना उस चीज़ ने इतना डीप हिट कर दिया ना उस वक्त तक मेरा मुझे गुस्सा बहुत आता था गेम को लेके मुझे कोई गालियां देता था ना मुझे गुस्सा आता था कि यार मुझे क्यों गालियां दे रहा है मैंने जब हैक नहीं किया था तब भी गालियां देते थे हैक किया तब भी गालियां दे रहे हैं हैक नहीं कर रहा हूं फिर दोबारा गालियां दे रहे हैं ये क्या चक्कर है। तो मुझे वो चीज़ जो हुई उसके बाद मैंने मुझे गुस्सा खत्म हो गया मेरा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। मैंने कहा यार नहीं गलत थे पहले भी गालियां पड़ी गलत नहीं थे तब भी गालियां पड़ी अब गलत हैं तो गालियां पड़ी हैं गालियां सुनी फोन बेचा मतलब फोन बाद में बेचा गेम फोन चेंज किया आईफोन ले लिया पीएमपीएल के बाद छोड़ दिया सब कुछ नहीं चाहिए स्लॉट नहीं कुछ भी नहीं चाहिए ना फेम चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए छोड़ो इसको लेजिट खेलो चुप करके जिस तरह खेल रहे थे लेकिन आईफोन पे खेलो एंड्रॉयड पे लेजिट खेलने आपको खेलने ही नहीं देंगे नहीं खेलने देंगे आप पीओवी मांगेंगे बार बार पीओवी दोगे ये तो रेड मैजिक है ना भी हो रेड मैजिक तो ये रेड मैजिक है। हमारी कम्युनिटी को ना सिर्फ ये चीज़ पता है कि रेड मैजिक है कोई चीज़ है ये नहीं पता वो है क्या चीज़ बस पता है कि रेड मैजिक है। और मैं तो सेल कर दिया मैंने सच्ची बात बताऊँ मैंने सेल कर दिया मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने अपने आप को क्लियर करने के लिए ना इस पीएमपीएल के बाद मुझे इतना प्रेशर आज तक मुझे ज़िंदगी में प्रेशर नहीं आया जितना इस पीएमपीएल के बाद आया कि यार ये तो मैं तो कैरियर ख़त्म हो गया ये तो खत्म। बाद में मुझे नॉर्डविन ने बताया कि आपको बैन वगैरह नहीं पड़ा कुछ भी नहीं है आपका सब ओके है आप खेल सकते हैं। फिर मैंने उसी वक्त घर वालों को बोला मैंने कहा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए ठीक है थोड़े से मुझे पैसे चाहिए तो वो करना है ये सीन था। तो वहाँ पर उस वक्त जो मेन चीज़ थी फ़ोन लिया नया ख़त्म किया वो उसके बाद से लेके आज तक मेरा मतलब कोई भी हैक वगैरह का किसी चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है किसी चीज़ का भी और ना इसका ना हमारा इसके होते हुए ना हमने कुछ किया ना इसने कुछ किया इसकी तो बहुत मेहनत है। मैं अपना बताता हूँ ना मैं इसके हाँ ये अपना खुद बताएगा लेकिन इसकी बहुत मेहनत है। मेरी जो मुश्किलात है ना वो यहीं पर थी यहीं पर ख़त्म होगी। अब मैं अपने आप को मतलब ठीक कम्युनिटी के आगे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद मैं ठीक ही हूँ मुझे पता है काफ़ी अर्से से ठीक था बीच में ख़राब हुआ लेकिन अभी मैं ठीक ही था। अभी मेरी कोशिश जो है वो ये है कि नई टीम बनाई है मैंने उस पर काम कर रहे हैं
मेरी मुश्किलात अब ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी मुश्किलात यहीं तक है, मैं इंशाल्लाह स्लॉट के वेट में नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जो मुश्किलात थी वो इंशाल्लाह अब आगे देखेंगे कि वो जिसका रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, निकलेगा रिजल्ट बहुत अच्छा। हमजा ने अपना बताया, इसने पूरा अपना ना पूरा जर्नी का बता दिया। चलो अब बताओ स्टार्टिंग से लेके क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मसले हैं 2021 वाले पीएमसीओ से। चलो चलो, मुझे पीएमसीओ वीएमसीओ का कुछ पता नहीं था, पीएमसीओ होता क्या है, क्या है, क्या कॉम्पिटिटिव में ये भी होता है, मुझे लगा था ऐसे इवेंट है, मैं पहले स्क्रीन वगैरह ही खेल लेता था, मुझे लगा ऐसे इवेंट है तो खेलो बस। तो मुझे मैं पहले एफ ओ डी में नहीं आया था, तो ये पीएमसीओ रजिस्टर होने से 4 दिन पहले, रजिस्ट्रेशन खत्म होने से 4 दिन पहले मुझे लाइनअप चाहिए थी। मुझे हाँ मेरे ऐसा कुछ मसला हुआ था, मेरे एक टीममेट था फिलिक्स, उसने गेम छोड़ दी थी, वरना हम जिधर जाते थे ना हम बोलते थे हम दोनों साथ आएंगे वरना नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। तो फिर उसने गेम छोड़ दी, मैंने बोला कि मुझे लाइनअप चाहिए, तो फिर मैंने एफ टू डी में ट्राई आउट दिया। मुझे नहीं, मैं ज़्यादा कोई कनेक्टेड नहीं था कम्युनिटी के साथ कि मतलब ये हैकर है, ये वो है, ये वो है, इतना मालूमात नहीं थी आपको अंदर की, सही है। मेरे ना कोई इंस्टा वगैरह भी कोई कुछ नहीं था इतना ज़्यादा खास, गुस्सा वाली था मैं, तो मुझे ये और सब वगैरह का नहीं पता था, कौन बदनाम है, जमाना है, कौन क्या है, मैं नहीं जानता इतना ज़्यादा। मुझे बस पता था एफ टू डी एक टीम है, मैंने ट्राई आउट दी, उन्होंने ले ली। अब मैं ये भी नहीं सोच रहा कि मुझे कोई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ज़्यादा बुरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे बस था कि बस मैंने टीम में ट्राई आउट दिया, मैं घुस गया बस टीम में गया मैं। तो 4 दिन थे पीएमसीओ में, उसने बोला पासपोर्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन, तो मैंने बोला ये क्यों मांग रहे हैं तो मैंने दिया, तो फिर उन्होंने पीएमसीओ को रजिस्टर किया। अब पीएमसीओ में ना तो हमें कोई उम्मीद थी क्वालिफाई होने की, ना कोई कुछ था, इसका जॉब का मसला था, ये तो खेल नहीं रहा था सही से। मुझे पता चल गया था, मुझे गेम के अंदर का आइडिया होता था कि गेम क्या हो रहा है, गेम के अंदर क्या हो रहा है, कि मुझे पता चलता ये इतने ज़्यादा खास सीरियस नहीं खेल रहा, या तो कोई इसका मसला है, इसे सही से नहीं खेला, बस पता चला था सही नहीं खेला था। तो उधर से हम खेल रहे थे तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी कि हम क्वालिफाई होंगे। उस से हैकर इतने ज़्यादा, एक टीम थी फुल, पता नहीं बूट कैंप का अगले साइड से बूट कैंप के वो पायलान के रिच पे हमें मार रहे, पता ही नहीं चला, इतनी दूर से गोलियां आ रही, बस शप शप हो रहे, बस हम मर रहे, इतना पता चल रहा है। बस वो फुल टीम भी थी, हम मरते रहे, कोई उम्मीद नहीं क्वालिफाई होने की। पता चल गया हम 124 टीम में हमें एक है, हमें स्लॉट मिल गया, हम बस खेलने शुरू हो गए, हम खेल रहे। तो ये जगवार की आईडी का कुछ मसला हुआ था, इसकी आईडी का स्कैम हो गई थी, इसकी आईडी स्कैम हो गई थी। तो हम अब नॉटविन था कौन था वो मैनेजर, हमने सेक्सोना से भी बात की थी, अलादीन से भी बात की थी, लेकिन अलादीन से एक लड़का था वो जी उसके से बात की, हाँ जो भी था बस वो उससे बात कर रहे थे, लेकिन वो जो करने नहीं दे रहा था। तो हमारी टीम में एक छोटा लड़का होता था, इमी लड़का था, उसकी एज कम थी, तो 15-16 साल का था वो। तो उससे हमने कहा कि उसे बिठा के जगवारों खिला देते उसकी आईडी से। अब हमें ये नहीं पता था कि रिंगिंग क्या होती है बस हम उसके खेलना स्टार्ट हो गया था। तो हमने खेला, हम किधर तक सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, फाइनल पहुंच गए थे, फाइनल क्वालिफाई हो गए थे। फाइनल के लास्ट मैच में हम क्वालिफाई हो गए थे, फाइनल ख़त्म हो गए थे, उसके नोटिस आ जाता है ये टीम बैन। हमने बोला क्यों बैन, कैसे बैन, हमें पता नहीं था रिंगिंग क्या होती है। हाँ उसमें बाद में पता चला वो GACM में गया तो उसमें रिंगिंग है उसने बोला था कि रूल बुक, हमने कौन रूल बुक पढ़ेगा, रूल बुक में रिंगिंग का होता था कि कोई दूसरा प्लेयर नहीं खेल सकता किसी और कैडी से, तो फिर इसको बैन कर दिया था, हमें बैन कर दिया था। अब उधर एक हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा चेरी जी, पता है ना किसे कहते हैं चेरी, कम्युनिटी का सबसे बड़ा चेरी, बड़ा अच्छा, उसने स्टोरी लगाई, वो हमारी टीम को नाम मेंशन करके म्यूजिक लगा दी स्टोरी पे, अलादीन भाई जो है हमारे कम्युनिटी के चेरी मैं बार बार मेंशन करूँ चेरी, उन्होंने स्टोरी लगा दी हमारी टीम को नाम लगा। मैं बोलूँ कि इस बंदे को क्या मसला है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ना तो हमें कुछ पता है, ना कोई हैक लगा, ये ऐसी हमें शुरू हो गया, बस हम पे बात करनी शुरू होगी। हमारे टीम का नाम लगा के वो मीम बना दी हम पे, वो म्यूजिक का म्यूजिक उस टाइम म्यूजिक वो टर्न टर्न करके कुछ नहीं था हाँ वो वो जो ड्रम वाली होती है, हाँ बिल्कुल याद आ गया मुझे। उसने टीम मैनेजर के लिए हमें बोले ये क्या बकवास है, ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, और ये बंदा तो कास्टर है। अच्छा वैसे उस टाइम पे सिर्फ एक दो टीम नहीं बल्कि 8-10 टीमें का ये मसला हुआ था, हाँ ये हुआ था। हम बोले हमें क्यों कर रहे हैं भाई, हमने तो कोई हैक नहीं किया, वो 138 तक कौन था, 138 थी वो, 138 भी थी, 138 पता नहीं एक टीम थी बस, वो ऐसे उनके साथ हमारा नाम मेंशन करे, वो उन्होंने तो हैक किया, उनको तो साफ पता चला कि उन्होंने हैक किया, हमने तो नहीं किया। और मुझे खास कर इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, जगवार का पास को मुझे पता नहीं है उसने कुछ किया है कि नहीं किया,
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई ऐसे क्यों कर रही है। उसके बाद हम डिस्क्वालीफाई हुए ना, उसके बाद टीम हमें शुरू हो गई, ये हैकर ये हैकर ये हैकर, और मुझे भी बदनाम करने शुरू हो गया। मैं बोलूँ मैंने जिंदगी में कभी हैक लगाया नहीं है, ना तो मुझे हैक का पता ही होता कैसे है, मुझे क्यों हैकर बोले, मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। अब मुझे गुस्सा चढ़ गया, फिर ये पीएमसी वाली बात खत्म हो गई थी, फिर मैं काफ़ी डिसऑर्ड हो गया थी इंसिडेंट से। उस टाइम पे रिंगिंग पे आप लोगों को कोई बैन नहीं मिला था, मतलब ये था कि आप उससे डिस्क्वालीफाई उस इवेंट से हो गए, बैन नहीं हुए थे। अच्छा, डिस्क्वालीफाई होते हैं, फाइनल जाने से पहले डिस्क्वालीफाई हुए थे, बैन नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा गेम छोड़ देता हूँ, मैं गेम छोड़ देता हूँ। फिर वो मुल्तान वाला लैंड इवेंट आ गया था, मुल्तान वाला लैंड इवेंट आया, मैंने इनको बोला कि मैं नहीं खेल रहा, मैंने गेम छोड़ दी, मैंने 2 महीने के लिए गेम छोड़ दी। बस गेम में आता था टीम टू टीम गेम खेले, बस बंद कर दी, 2-3 दिन बाद वापस गेम में आया, ऐसे गेम खेल रहा था मैं। फिर वो इन लोगों ने पता नहीं फिर क्या किया उस इवेंट में, जगवार भाई ने उसे शायद उसी इवेंट में हैक किया था, पता नहीं क्या किया था। वो तो अपने स्क्वाड निकाल लिया था, वो तो हम जाके खेल के आए थे लैन इवेंट, बस वो उसका नहीं पता मुझे, मैं उस टाइम ये तो वो मेरा वाला जो सीन था लैन इवेंट वाला, वो तो ये जो इस्लामाबाद वाला लैन इवेंट हो रहा था ना अभी, जो जो स्कैम हो गया, स्कैम हो गया वाला लैन इवेंट B4 का, तो वो हुआ नहीं है, नहीं हुआ वो, सी यू इन कोर्ट, मेरा तो उसका सीन। हाँ बस फिर जगवार भाई ने मैंने गेम छोड़ दी, फिर वो GXR हो गया था, GXR में फिर मैंने GXR से पहले भी मैंने गेम छोड़ी हुई थी, GXR मैंने नहीं खेला था इनके साथ, मैंने गेम छोड़ी हुई थी GXR में। फिर मेरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी जगवालों के साथ, इनके साथ FD के साथ, मैंने गेम की छोड़ दी थी। फिर GXR आया, GXR मैंने देखा, बस GXR एक्सपेक्टेड किया, मुझे गेम का वापस शौक चढ़ गया कि भाई देखो इतना अच्छा इवेंट था GXR, बस मैं नेट का मसला था, मैंने दूसरे दिन में आया भी नहीं था, लेकिन मैंने देखा इतना बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, तो फिर मेरे गेम को वापस इंटरेस्ट आ गया गेम की। फिर मैं वापस किसके साथ आया, हमारे साथ ही आया था, किसी के साथ नहीं आया था, मैं नाम चेंज कर देता, डेस अल्फा बनाया। हाँ डेस अल्फा बनाया था, फिर डेस अल्फा के साथ खेला। अब डेस अल्फा के साथ हमने कुछ इवेंट के लिए क्यू आर वाले भी हमारे क्या कहते हैं एक्ट प्लान पे चढ़े थे, और ये हमारे चेरी भाई अलादीन भाई ये भी हमारे दिमाग खा रहे थे, जो भी करो बस एक बंदा नोक दो ना, अरे जादूगर भाई, अरे नॉक नॉक भाई, अरे F2D, ये तो वही F2D टीम है ना जो डिस्क्वालीफाई हुई थी, कास्टर बंदा ये बात ही कर रहा है, और ना तो हमने कोई है किया। मुझे तो पर्सनली काफी बहुत गुस्सा आता था इन बातों पे कि भाई ना तो मैंने कुछ किया, तुम क्यों ऐसी बातें करो, और तुम कास्टर बैठ के तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज ए टाइप ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिल्कुल वो बंदा आके ऐसी बातें कर रहे हैं स्ट्रीम पे बैठ के, ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर गुस्सा तो आता है। हमने वो खेला, मैचेस खेलते थे जिधर जाते, जो अलादीन भाई कास्टिंग करते थे, अरे ये तो वही थी ना। अच्छा उस अलादीन के साथ एक एहसन बंदा भी था, एहसन, अब उस बंदे को अप्रिशिएट मैं करूँगा, अब इसको बुरा बोल रहा ना तो उसको अप्रिशिएट भी करूँगा। वो बंदा इसको हर बार बोलता था कि नहीं इसके साथ मैं खेला, वो अच्छा वो एहसन भाई ना हमारे साथ TMCO में भी थे, TMCO में हमें कोच कर रहे थे एहसन भाई, तो उनको पता था अंदर की बातें सारी कि ये बंदे हैक वगैरह कुछ नहीं कर रहे, इनको रिंगिंग की वजह से पता है। तो एहसन भाई भी थे हम उनके साथ, वो एहसन जब अलादीन के साथ होता था ना तब वो अलादीन चुप करके बैठा होता था, लेकिन जब बोलता था ना तो बस एहसन भाई को नहीं बोलते थे कि नहीं ये प्लेयर अच्छा है, ये वो ऐसा है वैसा है, एहसन भाई हमें जानते भी थे, उनको अप्रिशिएट करना बनता भी है। लेकिन ये अलादीन हमें वो करता रहता है, पीछे पड़ा होता भाई, अजीब क्या बोलूँ उस बंदे को मैं, हमारे पीछे पड़ा होता है। अब ये QR वाले को मारो तो QR वाले बोलते, अच्छा एक हमारे साथ हुआ था एक मैच के अंदर कि वो ईवन ने ना, ईवन हमारा टीममेट था, ईवन है ना मिनी से एक शॉट मार दिया था बंदे को, गाड़ी से उतार दिया था मिनी से, चलती व्हीकल में एक्सीडेंट लग गया था, वो क्लिप हुई थी, और वो बंदा था अभी 0 HP, गलती से उसको लगी थी, काफी दूर था वो मिनी से, उसको लगा था उसे POV दे दिया था, POV भी दे दी थी, कहता नहीं ये तो हैकर है, ये तो रेड मैजिक स्टोरी डाल दी, क्लिप निकली थी उसकी, मैं नहीं खेला उस मैच में, मैं नहीं हूं, ये है ही नहीं, मैं इवन काशान और एक और कौन था, काशान था, मैं इवन काशान था, मैं ये एमी शेमी कोई था, नहीं, कुछ लिखा था उसने, देखे ये क्या हो रहा है, हमारे साथ हमने कोई हैक लगाया नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पीछे लोग पड़े हुए। तो फिर खैर मैं बहुत फेडअप हो गया इन चीज़ों से, फिर जगवार की जॉब का मसला हो गया था, फिर ये गेम से पता नहीं गेम छोड़ा था, मुझे बोला कि तुम सिक्योरिटी में चले जाओ, मैं फिर सिक्योरिटी में चला गया,
फिर आर्किडियन में घुसा दिया मुझे, आर्किडियंस, फिर आर्किडियंस थी भी अलादीन की, उसका नाम फिर जनादा ने ले लिया था, जनादा ने सब किल कर दिए। और वो टीम बहुत अच्छी थी, हां वो भी बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छी थी। किस हिसाब से अच्छी टीम थी वो भी बताएं। अच्छी टीम थी, अप्रिशिएट करने वाली टीम थी, अप्रिशिएट करने वाली टीम थी अपने टाइम पे, जिस टाइम नॉकी के तब भी वो। आपके साथ और कौन कौन थे उस टाइम आर्किडियन में? मेरे साथ जनादा था, हमारा एजल था, मेरे साथ एक लड़का था बेलिनोर, अच्छा लड़का था, बहुत छोटा लड़का था, और एक है एफ टी एफ, को जानते हैं आप एफ टी एफ, एफ टी एफ जहर नाम पे एक लड़का था, जहर एक वो था, और एक और फैंटम, फैंट उसने गेम छोड़ दी, एक और फैंटम नाम का लड़का था। फिर मैंने कोई एक मंथ उधर उनके साथ खेला था, एक मंथ उनके साथ खेला था, फिर ये पी एम पी आ गया था। फिर अच्छा पी एम पी एल में ना आपने फिर वो टीम आर्केडियंस ज्वाइन की, ज्वाइन की फिर आपने छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी थी। फिर क्या वजह थी कि आपने टीम आर्केडियन के साथ कंटिन्यू नहीं किया? इनको मैंने छोड़ दिया था, उनके साथ आ गया था। फिर मैं आर्केडियन पे आया था, तो एक मंथ में मैं इनके साथ खेल रहा था, फिर वो पीएमपीएल का रजिस्ट्रेशन डेट आ गया था। फिर ये जगवा ने मुझे बोला कि उसी टाइम में ना ये टीएफडी वाला सीन हुआ था कि टीएफडी में जाओ, तो मैं टीएफडी गया उधर। उस टाइम नाम उनका 4VJV था, उस टाइम उनका नाम, मैं उधर गया। ऐसे पीएमपीएल के सोचा था पीएमपीएल खेलेगा, ये था अच्छा खेलता तो पीएमपीएल खेलेगा। उधर मैं गया ट्राई आउट देने, ट्राई आउट देने गया वो, अच्छा वो एक ही दिन का ट्राई आउट लिया उन लोगों ने। अच्छा तो एक दिन सुबह से 5 बजे जाना, एक मिनट में लाइट आती थी, दूसरे मिनट लाइट नहीं आती, एक मिनट लाइट आती दूसरे मिनट लाइट नहीं। अच्छा अब मैं एक दिन का, मेरा लाइट का कभी मसला नहीं हुआ पूरी जिंदगी में, कभी मसला नहीं हुआ, तो उस दिन मसला हो रहा था लाइट का। मैं ट्राई आउट दे रहा उस दिन लाइट का मसला, ये खैर बाद में एक्सक्यूज बना भी नहीं रहा, लेकिन मुझे बैकअप रखना चाहिए था, लेकिन वो लोग इतने दिमाग पे दिमाग खा रहे थे मेरा कि भाई ये प्रोफेशनल प्लेयर ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, अपने पास बैकअप रख लो ये वो ये। मैंने बोले मैंने खेलना है तुम लोग साथ, उन्होंने फिर बुलाया भी नहीं मुझे। फिर उसके बाद मैं बैठा था, मतलब मैं आर्किडियन साथ छोड़ी नहीं थी मैंने, मैंने बस ऐसे ही टीवी को ट्राई आउट दिया था, तो आर्किडियन के साथ खेल खेल था। अच्छा पीएमपीएल से, पीएमपीएल रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले ना, 3 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन खत्म होने से, टाइम डेट से पहले 3 घंटे पहले मुझे नॉक्टो का मैसेज आया, नॉक्टो का मैसेज आया, नॉक्टो ने, नॉक्टो को कायरो ने रिकमेंड किया था शायद, हाँ उसी ने किया था शायद, कि ये लड़का ले लो, इसका ट्राई आउट ले लो। अब आरसीजी का सीन ऐसा क्यों होता है, सलाखत भी पता होगा कि उन्होंने, उनके पास शायद स्लॉट था, प्लेयर्स नहीं थे, ऐसे ही कुछ था, स्लॉट था प्लेयर्स नहीं थे, और वो लोग टीम बना रहे थे, तो स्लॉट वेस्ट नहीं कर रहे थे तो टीम बना रहे थे, तो टीम के लिए फिर वो लोग प्लेयर ढूंढ रहे थे। एक उन्होंने अशद उठा लिया था, एक फिर मुझे उठा लिया था। तो फिर रजिस्ट्रेशन से 3 घंटे पहले ना मुझे रजिस्टर कर दिया, उसने बोला कि पीएमपीएल खेलोगे, पीएमपीएल खेल सकते हो? मैंने बोला हाँ खेलूंगा, बस इतनी सी बात हुई, पीएमपीएल खेलेंगे पहले, हाँ खेलूंगा। उसने बोला डिटेल दो अपने, मैंने डिटेल दे दी, रजिस्टर करा दिया। अच्छा 3 घंटे बाद, 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे बाद ना मुझे जगवार का मैसेज आता है, हाँ भाई पीएमपीएल खेलेगा। अच्छा मैंने आधे घंटे पहले रजिस्टर हुआ, मुझे कहता है पीएमपीएल खेलेगा, मैंने बोला मैं तो रजिस्टर हुआ, किसके साथ रजिस्टर हो गया, मैं क्यूई में लेना था मैंने तुझे। अच्छा उसी दिन मैं क्यूई में नहीं गया ना, अब मैं यहाँ पे हूँ। स्टार कब के लिए, कब परफॉर्म किया स्टार? खेल की चली गई, आपकी इतनी सीनियर टीम्स बाहर रह गई हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, फिर आप कहते हैं हम सीनियर प्लेयर्स। गॉड फियरिंग भाई रिफ्लेक्स कैसे मार रहे हैं, वो दूसरे की डीएम में उसको गालियां देने, तू सीन स्नाइपर, तू ये, तू वो, तू वो। इंडिया में जाके वो उधर जाके उनको अप्रिशिएट फॉलो कर कि 10,000 रुपए का फाइनल का स्लॉट दो उनको, इनवाइटेड 10,000 प्राइस पूल होगा उसका, फाइनल का इनवाइट होगा, चले जाएंगे। लेकिन 5 लाख का इवेंट हो उनको बोलो क्वालिफायर से खेलो, नहीं खेलेंगे, हम नहीं करते सपोर्ट, वैसे ही नहीं करते सपोर्ट। हाँ जब तक वो खुद बंदा आके अपने आप को प्रूफ ना करे तब तक हम नहीं सपोर्ट करते, कि ठीक हमने खुद ही करना है हमसे। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के बीच में लड़ते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लड़ते रहते हैं, वो टीम्स को तो छोड़ो, प्लेयर्स को तो छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन लड़